एशियन फुटबॉल कप स्टार्ट हो चुका है। घर के सामने अगर मैं सामने दिखाता हूँ तो ये सामने दूसरी होटल है और इसमें आप देख सकते हो सामने ये मलेशियन टीम रुकी हुई है। तो ये उनकी वैनिटी वैन है, उनकी बस है। Plan now. So how you so want to make? So I just want to ask you, where are you from? You wanna be my, in the video? My England team is gonna kill me. Your England team is gonna kill you. Saudi number one. पुराने दोस्त वरुण के सौरभ पुराने फंबल कर रहे हैं सौरभ ऐसा बोल के अभी हमें तो 5 मिनट डायलॉग याद कर रहे कि हमें बोलना क्या है। क्या बोल मीटर दूर है हमारे घर से, ये 20 किलोमीटर दूर है। हाँ। सर पे मटका रखे जाते थे यही हुआ था। और कभी कभी मटका बीच में फूट जाता था। Hey guys, welcome to the new vlog। और आज हम है दोहा में और आज डेट हो गई है 14th of January 2024। और एक बड़ी स्पेशल बात है कि ना दोहा में एशियन फुटबॉल कप स्टार्ट हो चुका है और बहुत लोगों को जो फुटबॉल फॉलो करते हैं उन लोगों को पता होगा। तो आज क्या है यहाँ पे, क्या दोहा में बहुत सारे फैन जोन्स बना रखे हैं। तो यहाँ पे क्या बहुत सारे लोग आ रखे हैं, पूरे वर्ल्ड वाइड मिलियंस ऑफ फैंस दे केम टू दोहा। और आज हम एक्सप्लोर करेंगे लॉट ऑफ फैन जोन्स और दोहा में एक्सप्लोर करते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो जैसे मेरे घर के सामने अगर मैं सामने दिखाता हूँ तो ये सामने दूसरी होटल है और इसमें आप देख सकते हो सामने ये मलेशियन टीम रुकी हुई है। तो ये उनकी वैनिटी वैन है, उनकी बस है। और यहाँ पे क्या ये साइड में इस बिल्डिंग के पीछे एक और होटल है, वहाँ पे एक टीम रुकी हुई है। और एक सामने एक होटल है, वहाँ पे एक टीम रुकी हुई है। तो मतलब ऑलमोस्ट मेरे घर के आसपास ही 6-7 टीमें रुकी हुई हैं। और अभी आज एक्सप्लोर करते हैं यहाँ पे करने को क्या है क्या नहीं है। तो बड़ी एक्साइटिंग और यू नो बहुत वापस वो वर्ल्ड कप वाली वाइब आ रही है 2022 वाली। दोस्तों अब हम आ चुके हैं मिश्रिप डाउनटाउन में और अभी टाइम हो रहा है शाम के अराउंड 4:30। तो अभी हमारे फ्रेंड्स वगैरह भी आ रहे हैं, मम्मी साथ में और ठीक है। मिश्रिप डाउनटाउन जो है ना बड़ी फ्यूचरिस्टिक सिटी बनाई है दोहा में, मतलब इन बिटवीन ऑफ द दोहा हार्ट, बिल्कुल सिटी के सेंटर पे है। और यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें करने को, इतने अच्छे अच्छे कैफेज हैं, यू नो ऑल दी लग्जरी ब्रांड्स फॉर द शॉपिंग एंड ऑल। और दोहा आना तो एक बार जरूर चाहिए। दोहा थोड़ा सा अंडर रेटेड है, उतना नहीं है लोगों को पता। बट अगर यहाँ आएंगे एक्सप्लोर करने के लिए इतना सब कुछ है। बहुत सुंदर और एकदम पीसफुल और एकदम साफ सुथरा क्लीनेस्ट, बहुत ही प्यारा सा कंट्री है, छोटा सा एकदम कॉम्पैक्ट सा। और आजकल यहाँ पे एशियन कप चल रहा है तो वाइब्स ज़बरदस्त हैं। और हम लोग भी क्योंकि अब आफ्टरनून हो चुकी है तो उसके बाद शाम से पहले पहले अब यहाँ माहौल अच्छा बनने वाला है तो हम भी उसको एंजॉय करने के लिए आए हैं। लेकिन बिल्कुल अब एक्सप्लोर करते हैं। लास्ट टाइम आए तो फीफा वर्ल्ड कप था और इस बार आए हैं तो एशियन कप बाय लक। तो अब एक्सप्लोर करते हैं सिटी को। मैं भी यहाँ पे क्या बहुत कम ही आया हूँ, मतलब एक दो बार ही आया हूँ, लेकिन आज डिटेल में इसको एक्सप्लोर करते हैं। बाहर इस तरह से ना कैफे हैं, बाहर बैठने की जगह, इतना बढ़िया चाय कॉफी आराम से बैठो और इंजॉय करो। सिर्फ पीस है, बहुत ज़्यादा शांति, नो पॉल्यूशन और आजकल वेदर बहुत अच्छा है। भाई देखो कौन आया। और हम आ चुके हैं मिश्रिप डाउनटाउन में। काउ बॉय एंड काउ गर्ल आए हैं आज यहाँ पे मिश्रिप डाउनटाउन में, बिल्कुल मिश्रिप के अकॉर्डिंग बन के आए हैं, है ना। आज पता है मैंने टोपी पहनी है लोग नहीं समझ रहे कि टूरिस्ट आए हैं इतने सारे, कहते यहाँ पे लोग काम करने वाले, मतलब ये घूमने फिरने वाले लोग, ऐसी फीलिंग आ रही है ना मेरे को। तो अभी आज ज्यादा इम्पोर्टेंस फील हो रही है आज मेरे को। और अभी हमने जो ये तेको
पता है ये क्या है, ये एक कतर की सस्टेनेबल सिटी है। अच्छा। इन्होंने पहले जो है हमें 8 साल हो गए यहाँ पे कतर में, और जब हम आए थे तो ये पूरा टूटा फूटा बिल्डिंग्स थी। अच्छा। सारा इन्होंने रिकंस्ट्रक्ट करके इतना ये मॉडर्न लुक इसको दे दिया। अब ये सारे बढ़िया बढ़िया रेस्टोरेंट्स कॉफी शॉप्स खुल गई हैं, और ऊपर जो है दूसरी तरफ में रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स है जो कि आप किराए पे ले सकते हो कमरे। अच्छा। हाँ बहुत बढ़िया। तो अभी क्या है, अभी हम अभी जैसे मिस्टर डाउनटाउन में ही आए थे। हाँ। तो हमें अभी 2 लड़कियां मिली, मैं उनका अभी इसमें ऐड कर दूंगा। हाँ, वो इंटरव्यू तू लेने की, मैं इंटरव्यू ले, हाँ उन्होंने मेरा इंटरव्यू ले लिया। तो आज मतलब जिंदगी में पहली बार मेरे को ह्यूमिलिएशन हुई है। क्यों हुई है मैं बताता हूँ। हाँ, बड़ा फन की कपड़े पहन के आया था उन्होंने मेरे से, यू नो दिस स्टार्ट विद माय, कि आपने क्या पहना, कैन यू जस्ट टेल मी अबाउट योर आउटफिट। तो अब मैंने पहली बार बता, इतने सालों बाद बेनिटन की शर्ट पहनी हो, मेरे को शर्म आई, मैं बेनिटन पहनते हुए घूम रहा हूँ। विच ब्रांड इज बेनिटन, अब क्या करूँ। नहीं तो बेनिटन तो उसको पता है, यहाँ पे भी तो है बेनिटन। यहाँ पे है, ऑफ कोर्स यहाँ पे है, क्यों नहीं है, मॉल्स के अंदर जाके देखो वहाँ पे है ब्रांड। तो बेनिटन बोल के इतनी ह्यूमिलेशन होगी। फिर वो मेरे को बोलती है, कहती चलो टेल मी अबाउट योर वॉच। वो तो मैंने बताया, मैं कम वेयरिंग अ रोलेक्स, जब जाके थोड़ा बहुत ठीक ठाक हुआ, नहीं तो मामला खराब ही हो गया था। बट ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है, समझ आना चाहिए ना। वो तूने फिर अपनी ट्रंक में से निकाली क्यों आज ये शर्ट, जब तूने रोलेक्स पहनी थी तो रोलेक्स के साथ की मैचिंग शर्ट निकाली थी ना उसके साथ आज। अब चलो कोई बात नहीं, अब हो जाता है। अब ये इधर देखो सामने, अभी ये मैच चलेगा यहाँ पे, ये स्क्रीन चल रही है जो इसके ऊपर, ये इन्होंने सिटिंग एरिया बना दिया है। पहले होता था यहाँ पे मूवी चलाते थे। अच्छा। तो बच्चे आते थे फ्री में, आप बैठो और मूवी देखो। अभी इन्होंने ये टिकट्स लगाई हुई है, आई थिंक 10 या 20 रियाल्स की टिकट है, आप टिकट लो और उसके बाद आप यहाँ पे आज बैठ के मैच देखो। अच्छा। खाने पीने का आप यहाँ से, रेस्टोरेंट है यहाँ से, ऑर्डर करो वहाँ पे आपको सर्व होएगा और आप बैठ के मैच देखो। अमेजिंग। तो अभी यहाँ से मिस्टर डाउनटाउन से गाड़ी, ये इन्होंने टेस्ला लगाई हुई है, टेस्ला को ये कर रहे हैं। तो ये मैडम हमारी वेट कर रही है जब से कि ये मेरे पास आए हो, मेरे से पूछे। टेस्ला कल हम जाने वाले थे देखने के लिए, आर्यन गया नहीं, तो हमारा ये प्लान जो था ना वो थोड़ा थोड़ा खराब हो गया, नहीं तो हम लोग देखने जाने वाले थे। गाड़ी चेंज करने का सोच रहे हो क्या आप? चेंज तो नहीं करेंगे, एक और ले रहे हैं। आर्यन बड़ा हो रहा है ना, अभी स्कूल में आ गया। आर्यन की गर्लफ्रेंड कह रही है अपनी गाड़ी लेके आओ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड गाड़ी में घूमता है उसको दिखाना पड़ेगा, उसको शर्म आ रही है। तो मैं जैगुआर में नहीं, अभी को टेस्ला चाहिए। Guys, now we're gonna have conversation with the local people and we're gonna ask them, you know, how are their experience in Doha. Hey guys, my name is Varun and what's your name? Hello, my name is Fernanda. Veronica. Anna. Okay, where are you guys from? I'm from Peru, but I lived in Doha for like a past 5 years. Peru is a beautiful place. Thank you. You've been here for 5 years? Yeah, I've been here for 5 years and now I live in Barcelona to study. So I'm a student. How amazing. You? I'm from Venezuela. How amazing. It's a far place. Huh? It's too far. Peru and Venezuela. Oh, very far. I mean, Latina community here representing. You fly? So yeah. What do you do in Doha? Like, you've been here for 5 years? So. I mean, I moved with my family for work, like okay. Most people here, and I'm a student, like I said, and I do content creation with her and separately as well. But yeah, that's what we do. Oh, amazing. So what do you think about Doha and what do you feel about, especially right now in the AFC Doha, especially in the Mishrib downtown? We love Doha. It's like our home because we've been here for like a long, long time. Mm-hmm. So we really love the safety, how modern it is, how clean it is, how they really put a lot of effort in like putting the vibe in. Of course, I think compared to like our countries, the only thing is with like we would put like way more people are coming as well to like put a little bit more on life into it. But overall, like Qatar is really, really nice. Every time we go away, we cannot wait. This time the population has already been, we have already 4 million tourists who are already in the country, and we expect a lot more during the World Cup. Wow, nice. FIFA Cup. Okay. Asian Football Cup. Yeah. Asia Cup. Oh, nice. So which team you are supporting? So technically you're from Qatar, but... I'm from India. I'm from India. All right, but you were born here? No, I was born in India. Okay. So I'm living in Qatar. Okay. Awesome. So he's working with a company which he's not supposed to name, but yes. Yes. Okay, awesome. So yeah. All right. Tell us where your outfit is from, and you know. So, if you can see, I bought this hat from Texas Dallas, and this shirt. Yeah.
So in the watch? Oh, this is a date, just Rolex. So nice. Yeah, and that's it. I'm not wearing anything. Rolex, so. Variation. Yeah, it's a bit of variation. So yeah. Right. That. Like for you, who will be the winner of the Asian Cup? Oh, but my Indian team is gonna kill me. Your Indian team is gonna kill you. Yeah. Like, well, how come you're supporting Japan? Because you're from India. How can you support Japan? Yeah, I mean, you know, I would say Japan because Japan, they are living right next door where we are living. They are our neighbors. During FIFA World Cup, we had Brazil as our neighbors. This time, we have Japan as the neighbors next to us. And all the children in our compound, they are all the time standing next to the wall of the hotel. I would not name the hotel because then there will be a lot of crowds. Yeah, of course, yeah, because then there will be a lot of crowds standing and waiting for the team to come out. So all the kids in the compound, they just keep waiting for the team when they come, when they go for the practice. So they're all having the, so they're having all the footballs, the jerseys, everything is getting signed by the coach and some of the team players. Oh, nice. So I would love to support the team because they are on the Does the Indian team this thing? Japan. Oh, nice. Go oh, Japan. Wow. Go Japan. Yeah. दोस्तों यहाँ पे टेस्ला खड़ी है, यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं. तो हीना को अभी दे आर लुकिंग फॉर द टेस्ला और बाई चांस यहीं पे खड़ी हुई है तो यहाँ पे रिव्यू ले लेते हैं. ये एसयूवी है. हाँ अच्छा. तो बड़ी हल्की लग रही है, इको स्पोर्ट और क्रेटा जैसी लग रही है, फीलिंग आ रही है. तो वही टेस्ला को कंपेयर करती है क्रेटा से. इससे बुरा हाय इससे बुरा क्या ही हो सकता है टेस्ला के साथ. सो वी आई एम जस्ट गोना राइट अ ईमेल टू इलोन मस्क. मैं कहा यू नीड टू अपग्रेड योर स्टैंडर्ड्स. आई नो यू नीड टू मेक अ लिटिल बिगर कार. हाँ, मैं थोड़ी बड़ी फील आए कि आप टेस्ला में बैठे हो. बिल्कुल टेस्ला वाली फीलिंग नहीं आ रही है. टेस्ला वाली फीलिंग तो पता है अभी मम्मी का कैसे हुआ आने का. तो मम्मी क्या सुबह सुबह मेरे को एयरपोर्ट छोड़ने आ रही थी. अच्छा. तो हम फार्म पे थे, फार्म से एयरपोर्ट जा रहे थे. okay. और मैंने मम्मी को बोला मैं एक काम करो ना, मैं आप दोहा चलो. तो मम्मी कहती ना मैं कपड़े लेके आई हूँ, ना पासपोर्ट है ना कुछ है. तो बाई चांस हमारा जो दिल्ली वाला घर है मरौली में, तो वहाँ पे मम्मी का पासपोर्ट रखा हुआ था. अच्छा. तो हम फटाफट मरौली गए, वहाँ से पासपोर्ट आया और साथ के साथ फ्लाइट लेके वापस घर यहाँ पे दोहा में. क्या बात है. तो वो तो ऐसे इम्प्रॉम्प्टू प्लान्स जो होता है ना, उसी का ही मजा होता है. मतलब मम्मी मेरे को एयरपोर्ट छोड़ने जा रही थी और मैंने फटाफट टिकट करा के वी केम टू दोहा. मैं कहा ये भी सबसे अनएक्सपेक्टेड ट्रिप है. दोस्तों आज हम मिश्रिप डाउनटाउन में, और आज मैं दुनिया का सबसे बड़ा खुलासा करता हूँ. ये किसी को नहीं पता होगा आज जो मैं बताने वाला हूँ. सोचो क्या बताने वाला हूँ भाई. सोचो क्या बता सकते हैं. चलती है यार जो खराब कर दिया यार. ऑर्डर बन गया भाई. वेलकम टू द बिजनेस क्लास. बिजनेस क्लास ऑफ कपड़े भाई. हम इंडिया के स्टॉल पे आ चुके हैं और यहाँ पे चाय पीने के लिए खड़े हैं. चाय पीने के लिए खड़े हुए हैं हम लोग. मसाला चाय पी रहे हैं. अदरक वाली चाय तो नहीं मिलेगी लेकिन मसाला चाय अवेलेबल है, वही पिएंगे. दोस्तों हम आ चुके हैं ट्रैम में और हम घूम रहे हैं मिश्रिप डाउनटाउन. तो हम आपको पूरा व्यू दिखाते हैं कि ना पूरे ट्रैम में तो मिश्रिप डाउनटाउन कैसा लगता है. सो इतना अच्छा लगेगा पूरे टाउन में. ये फ्री ट्रेन है और इतना अभी घूम रहे हैं और इतना अमेजिंग व्यू आ रहा है, इतना अमेजिंग लुक आ रहा है ना, तो आपको दिखाते हैं.
व्लॉग और आज हम आ चुके हैं सूक वाकिफ। आज हम रिपोर्ट कर रहे हैं सूक वाकिफ से और इमेजिन देखो आज सरप्राइज कौन है मेरे साथ। इतने कॉन्शियस क्यों हो रहे हो आप? नहीं नहीं, अंशुल शर्मा, पुराने दोस्त वरुण के, सौरभ पुराने दोस्त, फंबल कर रहे हैं, अंशुल सौरभ ऐसा बोल के और हंसा देगा है ना। अभी हमने तो 5 मिनट डायलॉग याद कर रहे कि हमें बोलना क्या है, क्या बोलना बताओ। अब आगे आपको ही बोलना है, ब्लॉगर आप हो, हम थोड़ी ना है। तो ये यूट्यूबर हिला हुआ है ये, देखो वो पहली बार आए हैं दोहा, तो वरुण उनको दोहा घुमा रहा है, अपना सूक दिखा रहा है, सारा दिखाया है अच्छे से। लास्ट टाइम हम दुबई मिले थे, लेकिन हमें दोहा में आके हमें लग नहीं रहा है कि हम दोहा में है, हमें लग रहा है कि हम दिल्ली के पालिका बाजार में घूम रहे हैं बिकॉज ऑफ वरुण। पालिका बाजार घुमा रहा था आपको पहले क्या? दोहा और पालिका बाजार कोई कंपैरिजन? ये कौन सा कंपैरिजन? और साथ में हीना आप अपना अच्छे से इंट्रोडक्शन दो जरा। मैं इंट्रोडक्शन दूंगी, मेरे 8 साल हो गए कतर में रहते हुए। हाँ, और ये चप्पा चप्पा मेरे को मालूम है कतर का, कहाँ कहाँ पे क्या है अच्छा मिलता है। तो और ये तो हमने देखा कल, हीना ने हमें चीज पराठा खिलाया और वो बंदा दौड़ के आया, उसको पता था कि हीना है। और कतार क्या बोल रहे हैं, हिना इन्फ्लुएंसर है और कतार टूरिज्म के साथ भी अपना कंट्रीब्यूट है आपका। ओके, अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए कतार आना है, कब आना है, कैसे आना है, क्या क्या देखना है, आप आइए और मेरे उस पे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। करेक्ट। अब ये बताओ दोहा में करने क्या है? अब दोहा में करने क्या है? बस वरुण से मिलने आए हैं। तो हाँ, वो फ्लाइट लेके आए हैं दोनों। वरुण से मिले, मेरे से मिलने 200 लोगों को और साथ में लेके आए। उनको छोड़ दिया। उनको छोड़ दिया, कहते हम 2 दिन के लिए घूमने आए। चलो आओ। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रहा, पालिका बाजार लग रहा है। ये कर नहीं, नहीं यहाँ पे गोल्ड सूख दिए और आप ना अपनी वाइफ के लिए लेके जाना अब यहाँ से कुछ ना कुछ, ठीक है सर? मम्मी के लिए, मम्मी के लिए, तभी मैंने बोला ऐसे नहीं होता। दोस्तों अब हम आ चुके हैं सूक वाकिफ में और यहाँ पे सारे कंट्रीज के सपोर्टर यहाँ पे आते हैं अपनी कंट्रीज को सपोर्ट करने में, क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट और ये बोलते हैं कि सबसे ज्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन और टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे सूक वाकिफ में। तो यहाँ पे सब अपने प्रॉप्स लेके, ड्रम्स लेके और यहाँ पे अपने कल्चर को दे रिप्रेजेंट पूरे वर्ल्ड को। तो आई शो यू हाउ इट लुक। कैसा लग रहा है दोहा में? अभी तो बस वाइब्स ही अलग है। दोहा में ढोल बजवा दिए और क्या चाहिए? वो ढोल बजना वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। ढोल बजवा दिए, बहुत अफसोस हो रहा है। जो नेट इंडियन होते हुए उनको अपनी लैंग्वेज नहीं बोलते, वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, जान के नहीं बोलते उज़्बेकिस्तान। India number one. Thank you. जब हम बहुत गरीब थे, हम गांव में रहते थे, खाने के लिए हमारे पास पैसा नहीं था,
हमारे घर में पानी नहीं था तो हम इसी कुएं से पानी भरते थे। और ये 20 किलोमीटर दूर है हमारे घर से। ये 20 किलोमीटर दूर है। हाँ। सर पे मटका रख के जाते थे। रख के जाते थे। यही कुआं था। और कभी कभी मटका बीच में फूट जाता था तो फिर डबल से जाना पड़ता था। लो और कम से कम घर में 20 मटके पानी लगता था। बताओ। और ये रहे हमारे घोड़े, इन्हीं घोड़ों में बैठ के आते थे हम सामने। अब हम दोहा के राजा हैं। अब दोहा के राजा, ये रहा हमारा घोड़ा। तो दोस्तों अब हम ने अपनी पूरी आज मिशन डाउनटाउन और अपना सूक वाकिफ घूम के वापस हम घर आ चुके हैं, मतलब घर के रास्ते में हैं। और एक्सपीरियंस आज का हमारा रहा बहुत ही ज़बरदस्त। पूरा शहर इतने अच्छे से एक्सप्लोर किया हमने और ब्यूटी ऑफ दोहा अमेजिंग। इतना अच्छा लग रहा है वो AFC के चक्कर में, यू नो, हर जगह कुछ ना कुछ हो रहा है और इतना क्राउड और इतनी सारी चीज़ें अच्छी हो रखी हैं। तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर अच्छा लगा तो भाई हिट लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चाओ।